हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बनाओ फ्रेम। जी है, रीइनकार्नेटेड एज अ गेम चेंजर का एक और एपिसोड। नाउ लेट्स बिगिन। एपिसोड शुरू दिखते हैं सॉन्ग अपने साथ के 30,000 लोगों के साथ में हेडमन सिटी के पास में पहुंचता है और फिर लैंगसी से कहता है कि वो हेडमन सिटी का गेट खोले ताकि ये सभी लोग अंदर आ सके। इस चीज के लिए लैंगसी साफ ना कर देती है। वो कहती है, सॉन्ग तुम अंदर आ सकते हो, तुम्हारे पास में स्पेशल पावर है, लेकिन बाकी के जितने भी लोग हैं ये सभी सब बाहर रहेंगे। ये इस काबिल नहीं है कि हमारे साथ में हेडमन सिटी के अंदर रह सके। यहाँ पर हमारे पास में रिसोर्सेज लिमिटेड है, हम ऐशो आराम से जीने वाले लोग हैं, इन कमजोर लोगों के साथ में अपने रिसोर्सेज बिल्कुल भी बांट नहीं सकते। लिंगसुई का ये सब कुछ कहना इन लड़कियों को और शेन को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो आगे बढ़कर इस पर अटैक करने की कोशिश करती है, तभी सॉन्ग इसे रोक देता है और कहने लगता है, लड़ने की जरूरत नहीं है, मैं इसको अपनी तरह संभाल सकता हूँ। कितने सॉन्ग जोर छलकर इस दर पर चढ़ जाता है और फिर लिंगसुई से कहने लगता है, ये कोई छोटी मोटी जगह नहीं है जहाँ पर तुम कब्जा कर सको। किसी भी चीज को लीड करने के लिए सबसे ताकतवर होना पड़ता है, तो यहाँ पर जी रियू के बाद में सबसे ताकतवर मैं हूँ, तो सभी लोगों को मैं लीड करूंगा, सभी सब मेरी बात मानेंगे। ये सुनकर लैंगसू की दोनों बॉडीगार्ड लैंगसू के सामने खड़े हो जाते हैं और कहने लगते हैं, जल्दी से लैंगसू से दूर हटो वरना हम तुम पर अटैक कर देंगे। सुन कहने लगता है कि तुम्हें से कोई भी मुझे रोक सकता है जो मैं चाहता हूँ वो मुझे करने से। तुम्हें पता है मेरी पावर कितनी ज्यादा है, मैं कुछ भी कर जाऊंगा, इसलिए मेरे को धमकी देने की जरूरत नहीं है। जी हुई, फैंग, नैना, चलो यहाँ चलते हैं, यहाँ पर हमारा अब कुछ भी काम नहीं है। फैंग खुश होते बोलने लगती है, ठीक है लीडर। ये सुनकर लैंगसू बहुत घबरा जाती है, वो कहने लगती है, सॉन्ग तुम कहाँ पर जा रहे हो। सॉन्ग कहता है, यहाँ से दूर, अब हम में से कोई भी हेडमन सिटी के अंदर नहीं रहेगा। तुम हेडमन सिटी के अंदर रहना चाहती हो, रिसोर्स को बचाना चाहती हो, तुम रिसोर्सेज ही यहाँ पर रहेंगे, तुम अकेले यहाँ पर रहो, मैं अपने सारे लोगों को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। अब तुम्हारे और हमारे बीच में एक लाइन खींच जाएगी, तुम्हारे पास में आने की कोशिश मत करना। हमारे यहाँ जाने के बाद में तुम खुद देख लेना तुम्हें किस तरीके से जो डीमंस यहाँ पर अटैक करने वाले हैं उनसे फाइट करनी है, हमें इससे कोई मतलब नहीं होगा। बेबू कहता है, हाँ सॉन्ग तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, यह बेकार में उठने से अच्छा है मैं तुम्हारे साथ में किसी और जगह पर पूरी रेस्पेक्ट के साथ में रहूं। ये सुनकर लैंगसू को बहुत गुस्सा लगता है, वो कहने लगती है, नहीं सॉन्ग यहीं रुक जाओ, अगर तुम यहाँ चले गए तो डीमंस जब यहाँ पर अटैक करेंगे तुमसे फाइट कौन करेगा। सॉन्ग कहता है, अब तुमने बिल्कुल सही बात कही है, यहाँ पर जो ताकतवर है वही लीड करेगा, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हें यहाँ पर हमारी जरूरत है, इसलिए अब चुपचाप से हमारी बात मानो। लैंगसू कहती है, ठीक है गेट खोल दो। ये सुनकर यहाँ पर नीचे की साइड में जितने भी लोग होते हैं वो सभी सब काफी खुश हो जाते हैं। लैंगसुई सॉन्ग से कहने लगती है, सॉन्ग ये तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है, तुम फ्यूचर को नहीं सोच रहे हो, तुम केवल अभी का देख रहे हो। जब ये 30,000 लोग हेडमन सिटी के अंदर आ जाएंगे तुम्हारे रिसोर्सेज कब जिस से कम होने लग जाएंगे, केवल एक महीने का रिसोर्सेज हमारे पास में है, उसके बाद में हेडमन सिटी अपने आप में ही कोलैप्स हो जाएगी, इसलिए अब इस टाइम पीरियड के अंदर ही हमें मॉन्स्टर्स के साथ में जो फाइट हो रही है इसे खत्म करना होगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारी भुखमरी शुरू हो सकती है। रिसोर्स खत्म होने से जो कुछ भी इम्पैक्ट होगा उसकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर होगी। सॉन्ग कहता है, तुम चिंता मत करो, वो सब मैं ध्यान रख लूंगा, अब तुम जाओ बस एक खबर फैला दो कि आसपास में जितने भी लोग हैं वो सब के सब यहाँ पर आ सकते हैं, हम सभी लोग इकट्ठा करके रिसोर्सेज को खुद ही बनाएंगे, खुद ही यहाँ पर लेके आएंगे। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है हेडमन सिटी के अंदर, सभी को एंट्री मिल चुकी है, सॉन्ग को बुलाया हुआ भी सब जगह भेज दिया गया है। इससे वो सभी लोग जो कि अलग अलग डंजन के अंदर गए हुए हैं वो तेजी से हेडमन सिटी के अंदर आने लगते हैं। गेट खुलता है, वो कॉन्ग, जेंजी, लीनैन और टाइशेंग चारों यहाँ पर पहुंच जाते हैं और सबके सब सॉन्ग को देखकर बहुत खुश होते हैं। लीनैन कहने लगता है, सॉन्ग सब कुछ कैसा रहा, तुम्हें मोशेस के बारे में क्या पता चला। इसलिए वह जेंजी भागकर सॉन्ग के गिर लग जाता है और उसे कहने लगता है, बॉस तुम्हें आने में बहुत टाइम लग गया, हमने तुम्हें काफी लंबे टाइम से काफी ज्यादा मिस किया। इसी टाइम पर लीनैन जेंजी को जोर से पकड़ लेता है और उसे कहने लगता है, जल्दी से सॉन्ग से दूर हटो, तुम्हारे कपड़े काफी ज्यादा गंदे हैं, तुम उसे भी गंदा कर दोगे। फैंग कहने लगती है, हाँ जेंजी सॉन्ग से दूर हटो, वो पहले काफी लंबे सफर से लौटा है। सॉन्ग कहता है, नहीं नहीं कोई बात नहीं। वो कॉन्ग, वैसे तुम्हारा क्या हाल है, क्या तुम अभी भी मुझसे बहुत ज्यादा गुस्सा हो। जीहुई कहने लगती है, नहीं अब ऐसा कुछ भी नहीं है, वो गुस्सा था क्योंकि तुम अपनी लाइफ को ज्यादा रिस्क में डाल रहे थे, लेकिन अब तुम वापस आ चुके हो तो उसका गुस्सा भी खत्म हो गया होगा। वो कॉन्ग कहता है, हाँ जीहुई ठीक कह रही है, मेरा गुस्सा अब थोड़ा कम हो चुका है, लेकिन फिर भी अब दोबारा से कभी भी इस तरह की हरकत मत करना, मुझे बहुत खुशी है तुम सेफली वापस लौट आए। सॉन्ग कहता है, तो फिर ठीक है, हम सब की सब यहाँ पे जमा हो चुके हैं, तो फिर अब हम इस मीटिंग को शुरू कर सकते हैं। नैना सबसे पहले तुम बताओ, जेरियो इस टाइम पर कहाँ है। बेबू कहता है, मैं बताता हूँ, जेरियो ने कहा था उसे थोड़ा बहुत अकेले में रहना है, कोई भी उसे परेशान करने के लिए ना आए। सॉन्ग कहता है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हमारे पास में टाइम की कमी है, मॉन्स्टर का अटैक होने वाला है और वो इस तरह से अकेले में जाके बैठा हुआ है बिना किसी को भी कुछ बताए, हमें अभी उसके पास में जाना होगा और वो जो कुछ भी कर रहा है उसका पता लगाना होगा। ये कहने के साथ ही ये मीटिंग यहीं खत्म जाती है। सॉन्ग जल्दी से उस जगह पहुंचता है जहाँ पर जेरियो है, ये एक बहुत बड़ा हॉल है। इस हॉल के अंदर आते हुए सॉन्ग कहने लगता है, जेरियो तुम कहाँ पर हो, जल्दी से मेरे सामने आओ, मुझे बताओ तुम इस तरह से अकेले क्यों बैठे हो जबकि सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब है। ये कितने सॉन्ग दिखता है उस पूरे हॉल के अंदर चारों तरफ काफी सारी बिजली है,
तभी एकदम से एक तलवार सिद्धू की आग के पास में रुक जाती है। इसे देखकर सोंग थोड़ा सा घबरा जाता है। जेरियो कहने लगता है, सोंग तुम बहुत ज्यादा रूढ़ हो, काफी अजीब तरीके से मुझसे बात करते हो। सोंग कहता है, तो यह है तुम्हारा तरीका मुझे वेलकम करने का। इसी टाइम पर जेरियो अपनी तलवार को पीछे ले लेता है और फिर कहने लगता है, मुझे पता है तुम्हारे माइंड में कब सारे क्वेश्चन है, लेकिन मेरे पास में उन क्वेश्चन का जवाब देने का टाइम नहीं है। उससे पहले और बहुत सारी चीजें हैं जो कि मुझे करनी है। मैं तुम्हें ये सब कुछ बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। सोंग कहता है, तुम ये सब कुछ क्या कह रहे हो? मोस्ट से तो फाइट करने से इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है? तुम्हारे लिए इस तरह से अकेले बैठना बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं भी यहाँ पर नहीं था उस टाइम पर, तुम भी इस तरह अकेले में आ गए। तुम जानते भी हो इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर गिल्ड के अंदर क्या क्या हो गया है। हमने तुम्हें हमारा लीडर बनाया है, तुम्हें हमें लीड करके मोस्ट सामने हमें जीत दिलाओगे, और अब तुम इस तरह से अकेले में बैठकर हमारे भरोसे को पुरते तोड़ रहे हो। तुम्हारे बिना यहाँ पर कोई भी नहीं है जो कि हमें सीधे से लीड कर सके। जीरू कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ पे तुम हो। तुमने डिमन गॉड से कई बार फाइट की है और उन्हें हराया भी है। तुम्हारी पावर बहुत ज्यादा है, तुम काफी अच्छे तरीके से सबको लीड कर सकते हो। इन्हें मेरी जरूरत नहीं है, तुम्हारी जरूरत है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ह्यूमंस को कौन लीड कर रहा है, फर्क इससे पड़ता है कि किसके लीड करने पर हमारे जीतने चांसेस ज्यादा है। सोंग कहता है, अब तुम इस सिचुएशन ज्यादा खराब होने की बात में इसके कुछ कैसे कह सकते हो? तुम ये जो कुछ भी कह रहे हो, अगर इसके बारे में बाहर के सभी लोगों को पता चल गया तो तुम जानते हो वो कितने निराश हो जाएंगे। इससे अब तक हमने जितनी मेहनत की है, जितने भी लोगों को यहाँ पर इकट्ठा किया है, ये सब के सब पूर्ति से बेकार हो जाएगा। जेरियो कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने हार मानने का कब कहा? मैं तो तुमसे ये कह रहा हूँ कि मेरे पास में एक अलग सॉल्यूशन है जिसका हम यूज कर सकते हैं, जिसे मैंने यहाँ पर अकेले रहते हुए पता किया है। सोंग कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है, बताओ सॉल्यूशन क्या है, वो भी जल्दी। जेरियो कहता है, अभी इसका टाइम नहीं हुआ है, पूरी प्रिपरेशन अभी तक नहीं हुई है। प्लीज अब एक आखिरी बार मुझे भरोसा रखो, मैं वादा करता हूँ एट डेमन गॉड्स को किस तरह से मारना है उसका तरीका मैं जल्दी ही निकाल लूंगा। सोंग कहता है, मुझे अभी तक यहाँ पर आए हुए केवल आधा घंटा ही हुआ है, मैंने अभी तक किसी को भी इस बारे में नहीं बताया कि इस टाइम पर इस वर्ल्ड के अंदर एट डेमन गॉड्स है, तुम्हें इसके बारे में कैसे बताया? जेरियो कहता है, इसलिए तो मैं तुमसे कह रहा हूँ एक आखिरी बार मुझे भरोसा रखो, मैं जो कर रहा हूँ वो मुझे करने दो, ये ह्यूमैनिटी की आखिरी उम्मीद है। जेरियो सोंग की तरफ हाथ बढ़ाता है, सोंग उसे तो साइड में कर देता है और उसे कहने लगता है, मेरे को तुम पर भरोसा है लेकिन अंधा भरोसा नहीं है, मैं उस तरह के इंसान के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं रख सकता जो कि मुझसे इतनी सारी बातों को छुपाता है। सोंग का इसे कुछ कहना जेरियो का भी बुरा लगता है। फिर सोंग वहां जाने लगता है और जाते हुए आखिरी में कहता है, मैं तुम्हारे ऊपर तब तक भरोसा नहीं करूंगा जब तक तुम जो कुछ भी सोच रहे हो उस बारे में मुझे नहीं बता देते। मुझे तुम्हारे गिल्ड के नए नाम और बेमो के ऊपर पूरा भरोसा है क्योंकि वो मेरे साथ में डीमन साथ में फाइट करने के लिए तैयार है। वो सबके सब मुझे बहुत भरोसा करता है, मैं जो भी कहता हूँ वो करने के लिए तैयार रहते हैं। वो सबके सब मेरी हर प्रॉब्लम के अंदर मेरे साथ में शामिल है। जेरियो अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, क्या तुम भी मेरे साथ में शामिल होना चाहते हो या फिर इस लड़ाई से तुम पीछे हट रहे हो, ये पूरी तरह से तुम्हारी चॉइस होगी। ये कहने के बाद में सॉन्ग वहां से लेता है और जैसे सीधे मीटिंग रूम के अंदर पहुंचता है जहाँ पर अभी भी सारे बंदे सॉन्ग कहने का इंतजार कर रहे होते हैं। जिसे सॉन्ग वहां पहुंचता है वो सभी सब कहने लगते हैं, सॉन्ग क्या हुआ, जेरियो से तुम्हारी बात हुई, उसने क्या कहा तुमसे? सॉन्ग कहता है, बहुत बुरी खबर है, हम जेरियो के ऊपर आगे भरोसा नहीं कर सकते, वो हमारे साथ में शामिल नहीं हो रहा है, इस फाइट के अंदर वो पीछे हट चुका है। ये सुनकर बेमू और नैना दोनों बहुत उदास हो जाते हैं। बेमू कहने लगता है, वो ऐसा कैसे कर सकता है? जेरियो कहती है, सोंग बताओ वहां पर हुआ क्या, उसे तुमसे कहा क्या? जेरियो ने एकदम से इस सबके लिए मना क्यों कर दिया? लिंग्यू कहती है, जेरियो ये कैसे कर सकता है, वो हमारा लीडर है, तब तो बड़ी बड़ी बोल रहा था कि वो डीमन साथ में फाइट करेगा और अब इस तरह से इस फाइट के अंदर पीछे हट रहा है, जल्दी से उसे मेरे सामने लेके आओ, उसे हमारे सामने हमारे सवाल का जवाब देना होगा। वो इस तरीके से हमसे मुंह छुपाकर कभी बैठ नहीं सकता है। तेबीजी एंगचिंग कहता है, जेरियो वो बंदा है जिसने हम सभी को यहाँ पर इकट्ठा किया था, वो हमें काफी अच्छी तरीके से लीड कर सकता था, लेकिन अब जब वो हमारे साथ में शामिल नहीं हो रहा है तो हमें लीड कौन करेगा? सोंग कहता है, हमें जेरियो की जरूरत नहीं है, अगर जेरियो हमारे साथ में शामिल नहीं होना चाहता तो हम भी उसे अपने साथ में शामिल नहीं करेंगे। ह्यूमैनिटी की आखिरी उम्मीद जेरियो नहीं है, ह्यूमंस खुद है। जब तक हम सब साथ में डीमंस हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, हम सब साथ मिलकर डीमंस से फाइट करेंगे। लिनियन कहता है, हाँ सोंग बिल्कुल ठीक कह रहा है, भले ही जेरियो हमारे साथ में नहीं है लेकिन फिर भी हम सब तो साथ में ही है। तभी मिंग कहता है, मिस थैंक यू विलो, आपकी काबिलियत से हम सब वाकिफ है, आप कितने शानदार लीडर है, मैं इस बात को ही मानता हूँ, मेरी गैर मौजूदगी में जब जेरियो भी यहाँ पर नहीं था आपने पूरे गिल्ड को काफी अच्छे से लीड किया है, मैं चाहता हूँ इस काम को आप आगे भी जारी रखें। लेंग्यू कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम जानते भी हो जो तुम कह रहे हो उसका क्या मतलब है? सोंग कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, मुझे पता है हमारे बीच में कब से क्लेशेस है और आज जो कुछ भी हुआ था उसके बाद में मेरा इसे कुछ कहना कब से अजीब सा लग रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि हम एक ही नाव पे सवार है, अब अगर ये नाव डूबती है तो हम सबके सब खत्म हो जाएंगे, इसलिए हमें हमारी नाव के अंदर एक बहुत ही शानदार कैप्टन चाहिए जो कि अच्छी तरीके से हमारी नाव को पार लगा सके। मुझे लगता है ये काम आप काफी अच्छे से कर सकती है, मैं सभी लोगों से कहता हूँ, स्टारकॉन गिल्ड की गिल्ड लीडर मिस लैंग्यू।
अब से ह्यूमन फोर्स की मेन लीडर होगी। ये सुनकर लैंगजो भूख चुक जाती है, लेकिन बाकी सभी बंदे इस चीज के ऊपर कुछ भी खास रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग सोंग की काफी रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए सोंग ने कह दिया, इसलिए बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं। सोंग यही कहता है, अब मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ, इस ट्रिप से मुझे क्या क्या पता चला है। मुझे पता चला है 10,000 डीमंस और उनके साथ में बहुत ही ताकतवर 8 डीमन कोर्स हेडमोन सिटी के ऊपर अटैक करने के लिए तेजी से आ रहे हैं। उनकी पावर बहुत ज्यादा है, उनके आने से पहले ही हमें अच्छी तरह से तैयार होना होगा। यहाँ पर टाइम बहुत कम है और हमारा काम बहुत ही ज्यादा है, जो कि हमें किसी भी तरीके से सही टाइम पर कंप्लीट करना ही होगा। मुझे यकीन है जब तक हम सब सब साथ में इस काम को अच्छी तरह से कंप्लीट कर पाएंगे और इस फाइट के एंड में ह्यूमैनिटी की जीत होगी, डीमंस हार जाएंगे। सोंग के इतना कहने के साथ ही इस सीरीज का एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।